मॉर्निंग ऑल ऑफ प्रोसेस के व्याकरण में हम कारक पढ़ते हैं। कारक में मैंने आपको कर्ता कारक के बारे में, कर्म कारक के बारे में और करण कारक के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। संप्रदान कारक है तो पूरा नहीं था, उसकी कोई एक दो पॉइंट हुए हैं। तो अब मैं संप्रदान कारक है तो आपको करवाऊंगी संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए, यानी कर्ता है जो दान कर्म आदि की क्रिया करता है, तो उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। देखो कारक, yeah।